अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं, अल्लाह ताला सभी से आप सभी खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे हाथ में साफा देख कर आप भी सोच रहे होंगे आज कोई नया काम शुरू करने वाला है। तो साल का गंदम का दाना जो है ना, हम इसमें जमा करते हैं टैंकी में। कुछ गंदम आज बाहर खुश करने के लिए छोड़ी थी बेगम साहब, साफ कर रही हैं। मैं थोड़ा इसे चेक कर दूं। कुछ गंदम के दाने इसमें नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको नजर आ रहा हूँ अंदर में? नहीं, ये काम आपका था और मैं कर रहा हूँ। हाँ साके, छोटे आदमी का काम होता है। बाप रे, ये क्या है? गोलियां। गंदम खराब नहीं होती इन गोलियों से, ये ऐसे टाकियों में बंद कर देनी है इनको। ये देखिए कितनी कितनी, दो दो जितनी आज डाल देंगे, बाकी सुबह ऐसा ऐसा खुश करके इसको डालेंगे, क्योंकि गीला दाना भी वो सही नहीं होता, खराब हो जाता है। हो गया? हाँ। चलो उठाओ दाना। साकिब गोली ले आओ। एक गोली डाल देते हैं इधर। सारी गंदम तो नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जैसे ही खुश कर रहे हैं वैसे ही टैंकी में डाल रहे हैं। तकरीबन 5-6 मन आज हमने खुश्क की है, 5-6 मन कल खुश करेंगे अगर मौसम साफ होगा, धूप निकलेगी। तो इस तरीके से तकरीबन 20 मन की टैंकी है, तो इसको इसकी भराई पूरी करेंगे। मगरिब भी होने वाली है, थोड़ा सूरज नज़र आ रहा है सामने, और मैं जा रहा हूँ तोड़ी लेने के लिए। आज पानी लगाया था चारे को भी, और साथ में ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है ना गंदम वाली, इसको भी पानी लगाया था, क्योंकि इसको तैयार करना है कपास के लिए। और इधर जानवर, ये तूड़ी वाले इधर आए हुए हैं, मेरे ख्याल में तूड़ी उठा रहे हैं। लो जी, ये सामने आपको पानी नज़र आ रहा है ना, ये गहरी जगह जो हमने गारा बनाया था मिट्टी का, तो वहाँ पर पानी जमा हो गया है। ये देखिए वाइट वाइट आपको खुश्क नज़र आ रही होगी। हाँ मजबूत है, इसकी कल लिपाई की थी, और ये अब बारिशों से और आंधी से भी महफूज है। मशरक साइड से थोड़ा सा होल किया है, क्योंकि मशरक साइड से आंधियाँ कम आती हैं, इसलिए इधर से थोड़ा थोड़ा तूड़ी उठा के जानवरों के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, ये है जी गंदम का दलिया, बड़े शौक से जानवर खाते हैं।
बच्चों ने सालन बना दिया है तो मैंने आटा गूंदा है, बीस रुपये बनाए के तुम ही आप डाल देंगे। कुछ चारपाइयाँ बाहर निकाल ली हैं मैंने और बेगम सेवा बना रही हैं खाना। बिल्ली भी आ गई है, मगरब भी होने वाली है तो मैं नहा लूं। हाँ नहा लूं। तो आपको एक बात बताऊं? बताओ बताओ। नया टेकी रोटी बनाना आम बंदे की काम नहीं है। आम बंदे की काम नहीं है या बंदे का काम नहीं है? आम बंदे की। ये कौन सा फिक्र है, आम बंदे की काम नहीं है? आम बंदा तो मर्द होता है ना। अच्छा अच्छा, औरत का काम नहीं है? औरत का काम नहीं है। ये बोलो ना भाई, ताजे गंदम के आटे की रोटी बनाना बिल्कुल सही। बेगम सदा कह रही है कि आप गंदम नहीं है ना, नया आटा बनवा के लाया है हमने, तो इसकी रोटी बहुत मुश्किल है बनाना और खाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, पचाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, हजम करना। क्यों बेगम सदा? अब सब काम जो है ना कुछ दिनों के लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि ये 10-15 दिन 20 दिन बाद जिस्म में ऐसा ऐसा एक रोटी खाने वाला एक रोटी खाएगा। तो इतनी हार्ट और इतनी पावरफुल होती है, अल्लाह ताला का निजाम है, ये भी चल रहा है। क्योंकि नई गंदम हर किसान के घर में खुशियां हैं, जो आटे के लिए परेशान थे नसीब हाँ, होती है। अल्लाह ताला हर किसी को नसीब करे। हाँ। ये बिल्ली कहीं पर इधर रोटी ना उठा ले। देखें जोरदार से अंधारी बन गई है, शाम का खाना खा रहे थे अभी। ये देखें ये आ रही है, ये आ रही है। तो जिस तरीके से तेजी से आंधी आई थी रुक गई है, तो मैं उस टाइम नहा रहा था, तो मैं फिर जल्दी से नहाने के बाद अंदर कमरे में गया और कपड़े चेंज किए। लेकिन जो शुरू शुरू में मिट्टी थी अब स्लो हो गई है, वैसी कंडीशन नहीं है तेज़ आंधी जैसे होती है। तो बेगम से बकरियों को रोटी खिला रही हैं और जानवर आराम से दलिया खा रहे हैं। मैं आप सबके लिए दुआ को हूँ, जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें और कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बेऔलाद अफराद अल्लाह ताला ने उनको सेहतमंद औलाद दे। जो परदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में है तो अल्लाह पाक उन्हें हर किस्म के दुख दर्द से महफूज रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।